पानी डाल के रखता हूँ थोड़ा सा, उससे पता चल जाएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रंट और बैक का। जिसमें फ्रंट साइड का एक आपको स्टिकर मिल जाता है, अंदर की साइड है ये, तो ये आपको फ्रंट के साइड रहेगा। और प्लस इसमें देखिए ये इलास्टिक लगा हुआ है, ये देखिए इलास्टिक सीधा चिपक रहा है बाइक के साथ। ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं, आपको मिरर पॉकेट दिया हुआ है, तो आप हैंडल को कहीं भी मोड़ सकते हैं। देखिए कोई इशू नहीं है। वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये ऑटो 5 ब्रांड के तरफ से आता है, पल्सर 150 के बॉडी कवर है। तो मैंने इसको मंगाने का बहुत सारा रीज़न है, एक तो घर बैठे आसानी से मुझे मिल गया है, ऑनलाइन से मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से। और इसका आपको मिल जाता है, इसमें कैरी बैग मिल जाएगा, तो आप इसको जब यूज़ नहीं करेंगे तो ये बैग के अंदर क्या रखा हुआ है। प्लस इसमें देख सकते हैं आप ऑटो 5 का 100% वाटरप्रूफ बाइक कवर है, प्लस आपका डस्ट प्रूफ है, यूवी प्रोटेक्शन है, तो बहुत ही बढ़िया है। और ऑटो 5 ब्रांड की तरफ से आता है, आपका 799 का पड़ जाता है। तो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको ऑफ़र मिल जाएगा 200-300 का, तो आपको कम हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाता है। तो चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं बाइक से लगा। तो गाइस ये रहा, इसमें आपको डिस्काउंट कूपन मिल जाता है, 50 रुपीज़ कैशबैक मिल जाएगा इसमें भी आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग, इसमें आप कैरी बैग मिल जाता है। आप जब भी कभी कैंपिंग के लिए जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो इसको आसानी से कैरी कर सकते हैं। आपका कवर में जो डस्ट लगा रहेगा वो आपका बैग के अंदर ही रहेगा, आपका बाहर में आपका कहीं पे नहीं निकलेगा और कपड़ा वगैरह ख़राब नहीं करेगा। तो आसानी से आप जब भी यूज़ करेंगे तो इसको निकाल के आप यूज़ कर सकते हैं, और जब आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसको आसानी से फोल्ड करके इस बैग पे डाल के रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फीचर्स है। अलग आपका कवर बहुत सारा है मार्केट पे, उसमें आपको ऐसा बैग नहीं मिलता है, तो ऑटो 5 ब्रांड पे ही आपको ये बैग मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इसको फट से नोक लगा के देखेंगे। तो गाइस अभी बाइक पे लग चुका है कवर हमारा, और आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश इसका, देखिए पूरा मैं चारों तरफ से मैं दिखा रहा हूँ आपको, एक राउंड आप देख लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया से फिट हो चुका है कवर, कोई प्रॉब्लम नहीं आया फिट होने में। और इसका क्वालिटी के बारे में मैं दिखाऊंगा, और फिट कैसे हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो एक एक करके मैं सब दिखाता हूँ। तो सबसे पहला देख लेते हैं ये फ्रंट व्हील के सामने, देखिए यहाँ पे आपको ये मिल जाता है फ्रंट साइड के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए आप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो फ्रंट और बैक का। जिसमें फ्रंट साइड का एक आपको स्टिकर मिल जाता है, अंदर की साइड है ये, तो ये आपको फ्रंट के साइड रहेगा। और प्लस इसमें देखिए ये इलास्टिक लगा हुआ है, तो पूरा चारों तरफ एक राउंड अब देखिए सब तरफ इलास्टिक लगा हुआ है, तो बाइक को पूरा पकड़ के रखा हुआ है। हवा तूफान में देखा होगा आपने बहुत सारा कवर जो उड़ जाता है, ये आपका कवर उड़ के कहीं नहीं जाएगा, बाइक पे ही लगा रहेगा। तो ये देखिए पूरा पकड़ के रखता है बाइक को, बहुत बढ़िया से है फिट, और कहीं भी बॉडी नहीं दिख रहा है, एकदम पूरा ओके है सब तरफ। और आप नीचे देख सकते हैं पूरा कवर हो चुका है, और यहाँ पर भी इलास्टिक लगा हुआ है, देखिए इलास्टिक से पूरा पकड़ के रखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ज़रा। ये देखिए इलास्टिक सीधा चिपक रहा है बाइक के साथ, ये देखिए आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे है इलास्टिक, तो बाइक के साथ चिपका हुआ है। ये आपको नहीं देखना है, ये तो आपको खुला रहेगा थोड़ा सा। और ये पूरा 100% वाटरप्रूफ है, मैं आपको वाटरप्रूफ टेस्टिंग भी करके दिखाऊंगा। प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटो 5 की तरफ से बैजिंग मिल जाता है, यहाँ पे ऑटो 5 की तरफ से आपको बैजिंग मिल जाता है, प्लस आपको मिरर पॉकेट दिया हुआ है, तो आप हैंडल को कहीं भी मोड़ सकते हैं। देखिए कोई इशू नहीं है, अब पूरा मोड़ चुका है, इससे ज़्यादा मुड़ेगा नहीं मेरा हैंडल। और आप इस साइड भी मोड़ सकते हैं, देखिए कोई इशू नहीं है, तो आप उस साइड हैंडल मोड़ेंगे तो ये लूज फिट, ये लूज फिटिंग इसीलिए दिया गया है ताकि आप हैंडल मोड़ने पर देखिए, ये देखिए हैंडल आप मोड़ दिया तो ये सीधा हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ से कोई लूज नहीं है, यहाँ से कोई लूज फिटिंग आपको नहीं दिख रहा होगा, तो सेम टू सेम वही है आपका। तो उस साइड का भी आपका लूज दिया हुआ है, तो ये आप हैंडल इस तरफ मोड़ेंगे तो सही हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत लूज फिट दिया जाता है, लेकिन आपको नीचे से पूरा पैक है इलास्टिक के वजह से। और यहाँ पे आपका इस क्वालिटी देख सकते हैं, इसका बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है, ठीक है पूरा 100% वाटरप्रूफ है। आप नज़दीक से एक बार देख लीजिए क्वालिटी आपका, देखिए बहुत बढ़िया है, ब्लू कलर का है। और अंदर की कोटिंग की बात करते हैं, चलिए आइए अंदर की कोटिंग कुछ इस तरह मिल जाएगा आपको, ये देखिए रबर कोटेड है ये, तो आपका बाइक का पेंट वगैरह ख़राब नहीं होगा, इसमें पूरा रबर कोटिंग दिया हुआ है, देख सकते हैं आप बहुत ही स्मूथ है। तो बहुत सारा कवर में क्या होता है कि आप कवर लगाते हैं उतारते हैं उस समय को क्या रहता है कि बाइक का आपका जो स्क्रैच आ जाता है वो आपको पता नहीं चलता है फर्स्ट में, धीरे धीरे बाद में आपको पता चलेगा कि स्क्रैच हो गया बाइक पे, टैंक पे और आपका बहुत साइड पैनल पे। तो ये प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, आपका रबर कोटिंग दिया हुआ है, तो ये आपका यूवी प्रोटेक्ट भी करता है आपका इसका वजह से, और आपका वाटरप्रूफ के लिए भी हो जाता है। प्लस इसमें आपका
हाँ स्क्रैच वगैरह भी नहीं आएगा, तो बहुत बढ़िया है। तो चलिए हम लोग वाटरप्रूफ टेस्ट करते हैं इसका और आपको दिखाएंगे। तो अंदर के साइड अभी देख सकते हैं पूरा बाइक सूखा हुआ है, बाइक पे आप देख सकते हैं पूरा, कहीं पे भी भीगा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी वाटरप्रूफ टेस्ट करके इसका दिखाऊंगा। तो चलिए इसको कवर लगाते हैं और वाटर इसमें थोड़ा सा छिड़कते हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये 100% वाटरप्रूफ है या नहीं। पानी डाल सकता हूँ थोड़ा सा, तो इससे पता चल जाएगा। तो देखिएगा मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ, तो पानी यहीं पे रह रहा है, देखिए अंदर नहीं जा रहा पानी। तो देखते हैं वाटरप्रूफ है या नहीं। एक बार आप डिटेलिंग में देख लीजिए पानी कैसे जमा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी है, पूरा पूरा ही पानी है इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, क्योंकि ये पानी अंदर जाता है या नहीं हमें वही चेक करना है सबसे पहला, क्योंकि हमें बारिश में लगाना है धूप में। तो 100% यूवी प्रोटेक्ट तो है, पर हमें 100% वाटरप्रूफ है या नहीं वो हमें पता करना है। तो इसमें पानी डाल के रखने के बाद थोड़ा देर मैं रुकता हूँ कि पानी अंदर जा रहा है या नहीं, उसके बाद मैं आपको खोल के दिखाऊँगा अंदर का। तो गाइस बहुत देर से पानी डाल के रखा हुआ है, आधा घंटा मैंने वेट कर लिया इस पर, तो पानी वैसे ही है। तो चलिए इसको खोल के अब देखते हैं अंदर साइड पानी गया है या नहीं। तो उसको उठाते हैं धीरे धीरे और देखेंगे हम लोग वाटरप्रूफ काम किया या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए पानी जमा हुआ था, तो मैं इसको उठा के रखता हूँ कि टैंक के साइड में पानी गिरा है या नहीं। ये देखिए पूरा ड्राई है गाइस, तो पानी ऊपर है और अंदर देखिए पूरा सूखा हुआ है, थोड़ा भी पानी नहीं है। तो मैं इसको पूरा खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए थोड़ा भी पानी नहीं है अंदर, पूरा ड्राई है। और अंदर के साइड देख सकते हैं तो ये भी पूरा ड्राई है, और इसमें रबर कोटेड मिल जाता है, तो उसके वजह से आपका बाइक का यहाँ पर टैंक वगैरह में स्क्रैच नहीं होगा। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं, मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बहुत ही जल्द मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।